हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज करने वाली हूँ इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि मेकअप से पहले स्किन प्रेप कैसे करते हैं, मेकअप के पहले कौन से स्टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पार्ट वन का वीडियो जो है वो दे दूंगी। सो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख के आइए एंड देन यू कैन एंजॉय दिस वीडियो। हाई यू गाइस, सो वेलकम बैक इन पार्ट टू। सो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि पार्ट टू में जो है वो मैं कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं इस दिवाली फेस्टिव लुक के लिए। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्राइमर। सो जो प्राइमर मैंने आज सिलेक्ट किया है मेरे मेकअप के लिए दैट इज फ्रॉम नायका। सो दिस इज द नायका प्रेपमिया प्राइमर 499 रुपीज में, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा सुंदर प्राइमर है। सो प्राइमर हो चुका है, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। गाइस जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैं रैंडमली दिखाने वाली हूँ एंड जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्टेप वाइज आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे यूज कर सकते हो। सो पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है जो कि स्किन प्रेप के बारे में है, सो मैं रेकमेंड करूंगी ये वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन जाके देखो, क्योंकि पार्ट वन में अगर आपको नहीं समझेगा कि स्किन प्रेप कैसे करना है तो आप ये पार्ट टू जो है वो देख के कुछ फायदा नहीं है, ये प्रोडक्ट्स देख के आप कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप आपका स्किन केयर अच्छे से करना ना सीख जाओ तब तक आप पार्ट टू का क्या ही करोगे। सो मैं सजेस्ट करूंगी आप जल्दी से जाके पार्ट वन देख के आइए अगर आपने ये वीडियो अभी चालू किया है एंड उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। ओके सो जो फाउंडेशन आज मैं यूज करने वाली हूँ इस मेकअप ट्यूटोरियल के लिए दैट इज बाय द ब्रांड मिलानी। सो दिस इज देयर कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर। ये जो है आपको कुछ 1200 रुपीज में मिलता है एंड इसमें जो मेरा शेड है दैट इज सैंड बेज। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज करूंगी दैट इज आई लाइनर, जो कि मैंने लिया है लैक्मे का इंस्टा आई लाइनर। आप कोई भी आई लाइनर ले सकते हो बट ये वाला जो है वो मैं बचपन से यूज करते आ रही हूँ, सो मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कोई भी मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। सो मैं ये वाला आई लाइनर यूज करूंगी। कॉन्टर के लिए जो मैंने चूज किया है दैट इज बाय दिस ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक डुओ 2-in-1 स्टिक। सो जहाँ पे आपको एक साइड में ऐसा कॉन्टोर शेड मिल जाता है एंड इसके दूसरे साइड में आपको मिलेगा ऐसा हाइलाइटर। सो कॉन्ट्रिंग करने के लिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। हाइलाइटर के लिए मैं आज यूज करूंगी मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर, तो काफी ज्यादा अच्छा हाइलाइटर है। मेकअप लुक हो, फेस्टिव लुक हो, बर्थडे पार्टी लुक हो तो ये हाइलाइटर इज अ मस्ट। और इसमें जो शेड मैं यूज कर रही हूँ दैट इज मोल्टन गोल्ड। कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी मेरे फेवरेट मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर। तो मेरे पास ये दो अलग अलग शेड में है, एक जो शेड है दैट इज हनी एंड दूसरा जो शेड है वो न्यूट्रलाइजर है। तो हनी जो है वो मेरे स्किन टोन से मैच करता है, न्यूट्रलाइजर जो है वो थोड़ा सा लाइट शेड है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा लाइट शेड है। तो इसको एज अ हाइलाइटिंग शेड यूज करेंगे और इसको एज अ करेक्टर यूज करेंगे। इसको सेट करने के लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ दैट इज बाय द ब्रांड मेबलिन। सो दिस इज द मेबलिन फिट मी लूज पाउडर और इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 20। जो मस्कारा आज मैं यूज करने वाली हूँ वो मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ, तो इस मस्कारा के बारे में आप थर्ड पार्ट में देखना, आपको समझेगा कि ये मस्कारा अच्छा है या नहीं है क्योंकि इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। सो आज जो मैं मस्कारा यूज करने वाली हूँ दैट इज बाय द ब्रांड मार्स। सो दिस इज हाउ द मस्कारा लुक्स लाइक। तो आपको ये मस्कारा अच्छा है या नहीं वो पता करने के लिए पार्ट 3 जरूर से देखना पड़ेगा। सो गाइज फॉर आई शेडो मैं यहाँ पे दो पैलेट्स यूज करने वाली हूँ। सो जो फर्स्ट पैलेट है दैट इज बाय द ब्रांड वेट एंड वाइट एंड दिस इज देयर रोजेट इन द एयर। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, हम ये पैलेट आज यूज करेंगे। सो जो सेकेंड पैलेट मैं यूज करने वाली हूँ दैट इज बाय द ब्रांड SFR कलर्स एंड दिस इज देयर टॉफी ब्राउन पैलेट। सो ये भी बहुत ज्यादा प्यारा पैलेट है एंड गाइज डू लेट मी नो अगर आपको इस पैलेट का रिव्यू चाहिए। एज यू कैन सी कितना ज्यादा प्यारा पैलेट है, मैंने इसको अमेजोन से खरीदा है, आपको एक इतना फुल साइज मिरर भी मिल जाता है एंड इसको आई थिंक मैंने सिर्फ 250 तक में कुछ खरीदा है, इसमें बहुत सारे शेड्स भी थे, इसको मैंने यूज करके देखा है एंड वाओ आई एम जस्ट लविंग दिस। तो पार्ट 3 में आप जरूर से देखना ये वाला पैलेट कैसे काम करता है और इसके आई शेडो पिगमेंट्स जो है वो कैसे है। सो गाइज इसके बाद जो मैं अपने आईज के ऊपर यूज करने वाली हूँ दैट इज अ ग्लिटर ग्लू। सो दिस इज बाय द ब्रांड फेस अप मेक अप आर्टिस्ट्री 2-way glue। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो मैं आज ये यूज करूंगी मेरी आईज पे
और इस ग्लू की हेल्प से ये जो ऑरेंज ग्लिटर्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा प्यारे है, इसको मैं स्टिक करूंगी मेरी आईज के ऊपर। सो वो हम देखेंगे पार्ट 3 में कि मेरा आई लुक जो है वो कैसे टर्न आउट होता है। सो गाइज, फॉर ब्लश मैं यहाँ पे यूज करूंगी किको मिलानी का ये ब्लश एंड दिस इज इन द शेड कोरल। सो दिस इज हाउ द ब्लश लुक्स लाइक, बहुत ही ज्यादा प्यारा ब्लश है ये एंड दिस इज इन द शेड कोरल। सो लिपस्टिक के लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शन है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी लिपस्टिक यूज करती हूँ, क्योंकि पूरा मेकअप हो जाने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी है। सो पार्ट 3 आप जरूर से देखना जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रॉपर स्टेप वाइज आपका मेकअप जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मिलेंगे हम पार्ट 3 में। या दैट्स इट फॉर दिस पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज करने वाली हूँ। अभी चलते हैं पार्ट 3 में जिसमें आपको पता चलेगा कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने इस वाले पार्ट में देखे हैं उसको एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। सो या गाइस, आई विल सी यू इन पार्ट 3।